अगर रिसाला ताहिर रजा साहब रामपुरी भी मौजूद हैं, बहुत जल्द आएंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अभी आप समाप्त कर रहे थे। मुफ्ती शमशाद साहब को मंजरी, जिनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया, और इकबाल भाई जो दिल्ली में हैं, वो बराबर रबते में रहे। कमेटी बड़ी दमदार है माशाल्लाह, और यहाँ नोटबंदी का बिल्कुल असर नहीं है। आका के नाम पे सरकार, गौसे आजम के नाम पे लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नी मुसलमान का चेहरा गौसे आजम का नाम सुन के गुलाब की तरह खिल जाता है, और वहाबी का चेहरा एकदम नेपाल का बटुआ बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कई नींबू उसके मुंह में निचोड़ के डाल दिया है। अब जितने सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, बड़े उतार चढ़ाव आए हजरत, कई बंदियां आई, लेकिन चार पांच बंदियां बड़ी गंदी हैं। सबसे पहले आई चकबंदी, इधर का चक उधर, उधर का इधर, उस किसान बड़े परेशान। सबसे पहले आई चकबंदी, फिर आई नसबंदी, फिर आई देवबंदी, और फिर आई नोटबंदी। अब पता नहीं क्या करेगा ये तुकबंदी। होशियार रहना चाहिए। अगर आपके अंदर बेदारी आ गई है तो मैं चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ सरकार इमाम हुसैन के नाम पर और इमाम हसन के नाम पर हाथों को लहरा के बोलिए या हुसैन। बड़ा चमा हो रहा हो क्लब के, बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूँ हजरात, देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है, देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है। सामने जब भी बरेली का रजा होता है, सामने जब भी बरेली का रजा होता है। और इस शेर को सुनने के बाद टमाटर सुन्नी का चेहरा खिल जाएगा, वहाबी का रंग बदल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि इधर वाला है कि उधर वाला है। देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है, सामने जब भी बरेली का रजा होता है। क्या खरीदेगा उसको वहाबी नजदी, क्या खरीदेगा उसको वहाबी नजदी। आला हजरत के जो हाथों पे बिका होता है, आला हजरत के जो हाथों पे बिका होता है। और पहुंचकर करबला में हजरत शब्बीर बोले, पहुंचकर करबला में हजरत शब्बीर बोले, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अभी हुसैन के ताल्लुक से आपने शेर सुने, हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है, ममलकत हक़ व सदाकत का ताजदार है, सब्र व रजा की सल्तनत का शहरियार है। हुसैन रोशनी का मीनार है, हुजरे फातिमा की बहार है, मोहम्मद अरबी के दिल का करार है, शहीदाने मोहब्बत का काफले सालार है, नौजवानाने जन्नत का सरदार है। हुसैन अज़्म व यकीन की तलवार है, हुसैन का चेहरा मतले अनवार है, हुसैन का दीदार मोहम्मद अरबी का दीदार है, और जिसने किया हुसैन का दीदार है उसका बेड़ा पार है। मैं तो कहता हूँ चार मिसरे मेरी ज़बान पे आते हैं। छह माह का बच्चा हजरत अली असगर जब करबला के मैदान में गया था, इशारों में कहा था दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हजरत अली असगर के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। और नाम है असगर मेरा, हूं मैं अली का पोता, नाम है असगर मेरा, हूं मैं अली का पोता। उंगलियों पे दरे खैबर जो नचा देता है, उंगलियों पे दरे खैबर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके इमाम आजम का सही तर्जमान ही मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं अल्लाह से बगावत की नमरूद हो गया, अल्लाह से बगावत की नमरूद हो गया, गुस्ताखे नबी जो हुआ मर्दूद हो गया। सुन्नी के लिए नामे रजा मिसल फूल है, सुन्नी के लिए नामे रजा मिसल फूल है, सुन्नी के लिए नामे रजा मिसल फूल है। नजदी वहाबी के लिए नाम ये बारूद हो गया, नजदी के लिए नाम ये बारूद हो गया, नजदी के लिए नाम ये बारूद हो गया। बहुत कामयाब जलसा, कामयाब जलसा है। कमेटी के नौजवान बड़े खुश नसीब है, अच्छे अच्छे खुतबा, अल्लामा शमशाद मंजरी साहब, अल्लामा गुलफाम साहब, अल्लामा शहरियार रजा साहब, ताहिर रजा साहब, सदारत आले रसूल की मुनाजिर हुसैन साहब, तमाम उलमाए किराम चल बगर है। बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, सरकार गौसे आजम की शान निराली है। एक बकीदा बैठा था, वो कह रहा था तकरीर के दौरान
दौरान जो कुछ करता है अल्लाह करता, कुछ नहीं करता। जोश में कह बैठा कि सुन्नियों के गौसे आजम अगर जिंदा है, डंडा पास में था, कहने लगा एक डंडा उठाया मेरे सर पे मारे। हजरात एक सुन्नी बैठा था, उसको चला ला गया, उठा और उसने सर पे दे मारा। कहने लगा छोटे से काम के लिए गौसे आजम थोड़ी आएंगे, ये छोटा सा काम तो उनके गुलाम ही कर डालेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए सुनिए, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। अब मैं देखता हूँ जिसने माँ का दूध पिया होगा सुभान अल्लाह बोलेगा, अगर डिब्बे का पिया है तब भी बोलेगा। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और 24 नंबरी की तरफ इशारा है, हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। हजरत जिला बिजनौर इलाके में सुन्नियों के गांव में मैंने पढ़ा, सब लोग खुश हो गए। एक पिलपिला बैठा था, अकड़ गया, रंग बदल गया। उससे बोला मौलाना, मैंने कहा जल्दी फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मेरा मूड अच्छा था, मैंने कहा गुस्सा आना भी कमजोरी की अलामत है। मैंने जल्दी बताइए क्या क्या नहीं करना चाहिए। बोले इतने जलसे नहीं होने चाहिए, इतने नारे नहीं होने चाहिए, मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने तेवर बदल के कहा जालिम खामोश हो जा, हर जायज काम होना चाहिए, तुझ जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने के हम ईमान बचा ले जाएंगे। और नचदियों के मुना लगना तुम कभी हैं दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोजख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोजख में उबाले जाएंगे। आ गए जिस वक्त वो चिलमन हटा के सामने, हर अदा फीकी लगी उनकी अदा के सामने, चाहे अशरफ खान भी हो या हो कासिम इस्माइल, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने। आई हजार अब मैं फहरिस्त के मुताबिक हिंदुस्तान के उस अजीमुशान कतीब वकार को आपके रूबरू कर रहा हूँ, जो अपने अंदर वो कमाल लगता है, दिल में इश्क रसूल का जमाल लगता है, अपनी तकरीर से लोगों को इश्क रसूल से माला माल करता है। आ रहे हैं माहिर इल्म फन सिराजे बज़्म सुखन खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रजा साहब कबला मंजरी उस्ताद जामिदुल कादरी अलीसा स्टेशन बरेली शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा इस अंदाज में बोलो, आज क्या हालात है हिंदुस्तान के आप जानते हो। सारी दुनिया मिटाना चाहती है, कोई कहता है मस्जिदों को उठा दो, कोई कहता है कुरान मिटा दो, माशाल्लाह कोई कहता है मदरसों को मिटा दो, कोई कहता है सन 2021 तक एक भी काली टोपी वाला नहीं रहेगा। मैंने उसे रस्मी में भी पिछले साल कहा था कि मुसलमान को न तुम मुसलमानों की मस्जिद मिटा सकते हो, न मदरसा हटा सकते हो, न खानकाह हटा सकते हो, न कानून बदल सकते हो। हम दावे से कहते हैं हिंदुस्तान किसी के पाप का नहीं है, मेरे ख्वाजे पाप का है। और जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मजार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खौफ बातिल का नहीं, हम अल्लाह का डर रखते हैं और शहादत के लिए हम जिस्म पे सर रखते हैं। ये अलग बात है, टूटी कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जिसको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से, अगर हाथ एक सलामत है एक हाथ उठाओ, दोनों सलामत है दोनों हाथ उठाओ, और हाथ में कमी है तो कोई बात नहीं, हाथों को लहरा के बोलिए नारे तकबीर। माशाल्लाह मजमे में बेदारी तैयारी, जन्नत में जाने की बेकरारी, फैजाने रला जारी, तभी तो है मजमा इतना भारी। हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मशरक़े आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, गौसे आसम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन शेरगढ़ बरेली शरीफ, मुफ्ती शमशाद रजा साहब मंजरी,
जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी तकरीर का उनवान वफा होता है, जब ये करता है शहीदी के करम की बातें, सारा मजमा मेरे आका पे फिदा होता है। आ आ आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर सब उजाले कर दे। मैंने मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले कर दे। Yes, 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 yes.